लड़ाई लड़ते रहेंगे। टिहरी कोर्ट का बड़ा फैसला, दो चरस तस्करों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, टिहरी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, दो चरस तस्करों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया और अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर टिहरी कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया, दो चरस तस्करों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तो साथ ही आपको बताते चले कि दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया और अर्थदंड न जमा करने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त सजा भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां टिहरी कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, दो चरस तस्करों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है और अर्थदंड अगर जमा नहीं करते हैं तो फिर 6-6 महीने का अतिरिक्त सजा उन्हें होगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के चिलकिया स्थित कलुसिद्ध में खनन के लिए बनाए गए गेट को शिफ्ट करने और गांव में अवैध डंपर के संचालन पर रोक संबंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी, एसएसपी और रामनगर के एसडीएम को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कहा कि जनहित याचिका में कहा गया है कि डंपरों की चपेट में आने से स्कूल जा रहे गांव के 4 बच्चों की मौत हो गई है और जनहित याचिका में इको सेंसिटिव जोन में खनन के जो पट्टे दिए हैं उस पर रोक लगाई जाए ताकि इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोका जा सके और स्थानीय लोग अपनों को न गवाएं। ये रामनगर में जस्सा का जगह चिलकिया वगैरह जो कालू से खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव है, वहां पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेकर याचिका दायर की गई थी और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल और एसडीएम रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गांव में डंपर कैसे नियम विरुद्ध चल रहे हैं और उसके संबंध में जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट